हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल मस्त हो गए। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ ऐसे प्रैक्टिकल सारा कुछ करके कि भाई आप फोन पे बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे की और कोड को जनरेट करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी लिमिट मिलती है आपको, कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, कैसे सेटलमेंट होता है, सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और आपको एक बात भी आपके दिमाग में आ सकती है कि भाई हम फोन पे बिजनेस अकाउंट क्यों बनाएं, हम तो ऑलरेडी फोन पे यूज कर रहे हैं, तो बिजनेस अकाउंट क्यों, किस लिए, क्या जरूरत पड़ेगी हमें, क्यों अपना टाइम खराब करें। सो गाइस, फोन पे बिजनेस अकाउंट का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपको, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियो में आपको ऐसे देने वाला हूं जहां पर आपको फोन पे बिजनेस अकाउंट जरूरत पड़ेगी, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। इसलिए मैं ऑलरेडी पहले फोन पे बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करना सिखा रहा हूं ताकि आप आगे से उन सभी चीजों का फायदा उठा सके। इससे बहुत सारे फायदे होंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं आपको सारे चीज पता चल जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको बताने वाला हूं किस तरीके से क्या क्या फिलअप करना होता है। इस वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सो गाइस, चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन तरफ और सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके दिखाता हूं और बताता हूं, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फोन पे बिजनेस एप्लीकेशन को और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, सिंपल सा यही करना है। जैसा कि हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, हम सिंपल सा ओपन कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, टेंशन मत लेना, कहीं भी कुछ भी स्केप या छूटेगा नहीं। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपसे लोकेशन को ऑन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप अपने लोकेशन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के माध्यम से इसको वेरीफाई करना है, सिंपल सा। तो चलिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लिया है, मेरे पास ओटीपी भी आ गया है और मैंने वेरीफाई पर क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं, हमारा साथ ही साथ आपका तुरंत देखेंगे वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद देखिए, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा जहाँ पर आपको बताया जाता है कि सबसे पहले लिंक योर स्टोर, फिर दूसरा आता है कॉन्टैक्ट, तीसरा आता है एक्सेप्ट पेमेंट। इतना ही मतलब प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो अब चलिए हम इस प्रोसेस को पढ़ लेते हैं, पढ़ने बाद सीधा चलते हैं गेट स्टार्टर पर क्लिक कर देते हैं। देखिए, जैसे दोस्तों आप गेट स्टार्टर पर क्लिक करोगे, इसके आगे के जो इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या इसमें फिलअप करना है। जैसे हमने गेट स्टार्टर पर क्लिक किया, आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप नेक्स्ट करिएगा, अगेन नेक्स्ट करिएगा, अगेन नेक्स्ट कर दीजिएगा। सिंपल सा नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, सिंपल सा स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप सबसे मुद्दे वाली बात ये आती है, आपको यहाँ पर क्या डालना है, बिजनेस नेम डालना है। आपके माइंड में कोई बिजनेस हो, आपको जो लगता है कि मुझे कोई शॉप खोलनी है, कुछ भी खोलना है, कुछ भी रखना, तो आप अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हैं। तो हालांकि मैंने अभी मेरे को ऐसे अकाउंट बनाना है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर नाम डाल लिया, ऑनलाइन क्लास। और यहाँ पर आपको कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, चाहे जो भी कैटेगरी हो, मैंने अपना अदर सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहे वहाँ पर ग्रोसरी या फिर एजुकेशन, ट्रेवल, जो भी सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको सिंपल सा कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे बोला जाएगा कि आप अपने जीपीएस को ऑन करो। जीपीएस को ऑन करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आपकी लोकेशन को करेक्ट किया जाए कि भाई आपकी लोकेशन कहाँ की है, क्योंकि देखते हैं ना, जैसे आप स्टोर पर जाते हो, मतलब शॉप पर जाते हो, देखते हो वहाँ पर फोन पे का लोगो वगैरह लगा रहता है, आरओ कोड स्कैन करते हो, तो उसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे अपना ऑन कर लिया तो आपके लोकेशन को ये कैप्चर कर लेता है। सिंपल सा अपने आप ही लोकेशन ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। लोकेशन लेने के बाद नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है, आपको बिल्डिंग नेम या हाउस नंबर, फ्लैट नंबर जो भी है, आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, मैनुअली फिलअप करना पड़ेगा। और बाकी तुम आपका जो भी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सब कुछ वहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आप सिंपल सा कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे देखेंगे आपका जो ऑनलाइन अकाउंट था वो ओपन हो चुका है फोन बिजनेस का, बिल्कुल साफ देख लीजिए। यहाँ पे हमने आपका एड्रेस शो कर रहा है, आपका जो भी बिजनेस नेम है वो शो कर रहा है, आप यहाँ पे क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट पेमेंट के नाम, मतलब हम हर स्टेप को फॉलो करेंगे ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखे जाते हैं, पेमेंट रिसीव करने, भीम UPI और फोन पे वॉलेट, और दोनों से 0% है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, चाहे आप भीम UPI से कीजिए, चाहे फोन पे वॉलेट से एक्सेप्ट कीजिए, 0% चार्जेस, कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू जैसे क्लिक करेंगे आपसे अब मांगा जाएगा आपके अकाउंट की डिटेल। अकाउंट इतने मतलब होगा, पहले बैंक अकाउंट नंबर डालिए, दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर डालिए, फिर IFSC कोड को डालिए। ठीक है, IFSC कोड डालने के बाद आप सेलेक्ट करिए कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप वेरीफाई जैसे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट को वेरीफाई कर दिया जाएगा। वेरीफाई करने का प्रोसेस में यही होता है कि आपके अकाउंट में 1 रुपये क्रेडिट हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ आपका अकाउंट कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई आपका अकाउंट सही है। ठीक है, इसके बाद स्किप भी कर सकते हो आप, इसके आगे आप चाहो तो इसको एक्सेप्ट अनलिमिटेड पेमेंट पे क्लिक कर सकते हो। हम एक्सेप्ट अनलिमिटेड पेमेंट पे क्लिक करेंगे ताकि हमें और भी ज़्यादा जानकारी मिल सके, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि डिटेल में हमें जानना है ना सब कुछ। तो हम चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं।
क्लिक करने के बाद देखिए एक्सेप्ट वाले पेमेंट पे, तो आपसे पूछा जाएगा जो चॉइस बिजनेस टाइप, आपका जो बिजनेस है कैसे, इंडिविजुअल है, पर्सनल है, प्राइवेट है, पब्लिक का क्या है। तो अगर आप अपने लिए कर रहे तो सीधा सीधा इंडिविजुअल ही रखेंगे आप, तो मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया और कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है GST नंबर डालने का, दूसरा मिलता है पैन कार्ड नंबर डालने का। अब आपको ये समझना चाहिए कि GST नंबर में क्या फ़ायदा है और पैन कार्ड में। हो सकता है GST नंबर बहुत ही कम लोगों के पास हो, लेकिन पैन कार्ड तो सबके पास होगा। तो मेरे पास भी पैन कार्ड है, मैं पैन कार्ड नंबर डालूंगा, और आपके पास GST नंबर हो GST नंबर डाल दीजिए, नहीं है तो पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल रहे हैं, यहाँ पर डालने के बाद आगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर कर चलता हूँ, अगर आपने GST नंबर डाला तो आप अनलिमिटेड पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपना पैन कार्ड का नंबर डाला तो आप 1,00,000 रुपये पर मंथ एक्सेप्ट कर सकते हैं इस वॉलेट में। जैसा कि यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट, हमने पैन कार्ड नंबर डाला, वो भी वेरिफिकेशन हो चुका, वेरिफिकेशन इज कम्प्लीटेड यहाँ पर दिखा रहा है, और डन पर हमने कर दिया क्लिक। ऑलमोस्ट हमारा जो एप्लीकेशन में जो भी हमारा बिजनेस अकाउंट था वो ओपन हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स दिखा देता हूँ, जैसे कभी 1 रुपये हमारा अकाउंट ट्रांजेक्शन हुआ था वेरिफिकेशन के लिए, जो कि कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं अभी हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार हमारा QR कोड, जहाँ पर हमें पेमेंट रिसीव होगी। तो हमारा QR कोड अभी जनरेट तो होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने तुरंत ही तो ओपन किया है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। चलिए मैं वेट करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम और भी चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे ही आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपने क्रेडिट स्कोर को भी चेक कर सकते हैं और पूरे पूरे प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब मेन है हमारा, देखते हैं कितनी देर हमारे पास QR कोड आता है। 3 hours later दोस्तों फाइनली 3 घंटे हो चुके हैं। 3 घंटे बाद चलिए हम दोबारा फोन पे बिजनेस एप्लीकेशन में चलते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा QR कोड वहाँ पे जनरेट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। सिंपल सा हम फोन पे बिजनेस एप्लीकेशन दोबारा जाएंगे, और दोबारा जाने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे वो ट्रांजेक्शन शो कर रहे हैं जो हमने अभी हमारे ट्रांजेक्शन हुए पड़े थे कुछ समय पहले की बात है, जो वेरिफिकेशन के लिए अकाउंट को। अब चलते हैं शो QR पे क्लिक करते हैं। ठीक है, शो QR पे हम जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या KYC ऐसा कोई वेरिफिकेशन के लिए नहीं हमें कहीं घूमना पड़ा, कहीं आना जाना पड़ा, और हमारा यहाँ पे QR कोड जनरेट हो चुका है, जहाँ पर हम फोन पे, गूगल पे, अमेजोन, ICICI स्टेट बैंक से पेमेंट होगा एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि नीचे शो किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से अपना स्क्रीनशॉट लेके शेयर भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको कुछ समय के बाद और दिखाई देंगे। जैसे ही आपका पूरा कंप्लीट अपडेट हो जाता है तो आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे, PDF में प्रिंट निकाल के अपने स्टोर पे, शॉप पे लगा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। XYZ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ट्रांजेक्शन में जाकर आप अपने ट्रांजेक्शन को डिटेल को चेक कर सकते हैं, आपकी ट्रांजेक्शन कब हुई थी, कितने टाइम पे हुई थी, यहाँ पर टाइम, समय, पेमेंट सब कुछ यहाँ पर डिटेल दिया रहता है। सेटलमेंट में जाकर आप क्लिक करके यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारियाँ ले सकते हैं, जो भी आपका अमाउंट है सेटलमेंट होने के लिए। अभी हमारे पास यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं है जो सेटलमेंट होना है, इसलिए यहाँ पर ऐसा अमाउंट कोई शो नहीं कर रहा है। लगभग काफ़ी सारी जानकारियाँ हो चुकी हैं कंप्लीट, अभी हमें स्कैन करके भी चेक करना है एक बार। तो अभी देखिए मैंने अपना दूसरा फ़ोन पे एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, मैं दूसरे फ़ोन से मैं अब पेमेंट करने के लिए कोशिश करूँगा अपने नए वाले अकाउंट में। जैसा कि हमने ऑनलाइन पेमेंट वाली जो हमने ये बनाया था, इस पर हमने स्कैन कर लिया है, तो देखिए हमारा स्कैन बहुत इजीली हो चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर हम पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हमें एक चेक करना था कि भाई हमने जो हमारा QR कोड जनरेट हुआ उस पर पेमेंट होगी नहीं होगी, तो यहाँ पर हम पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, हम बैंक अकाउंट के साथ साथ किसी भी फ़ोन पे वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा इतना होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते दोस्त। आगे वाली वीडियो में बताऊंगा जरूर, ध्यान रखना इस चीज़ का, फ़ोन पे वॉलेट से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना, छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये, इसका फ़ायदा बहुत बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर हमने पेमेंट को किया और पेमेंट हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट सारा कुछ हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए फिर भी कुछ जो चीज़ें और रहेगी मैं वो भी चेक करवा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि हमने जब पेमेंट किया, जैसा कि ये अभी वहाँ पर कोई पेमेंट मैंने नहीं किया, अभी मैंने 50 रुपये अपने पुराने वाले फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट में यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे फ़ोन पे बिजनेस में 50 रुपये शो कर रहा है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट या फिर कितनी बार ट्रांजेक्शन हुआ है, कितने टाइम पे हुआ, ये सारा कुछ तो आपको शो करता ही करता है। लेकिन अब आपको एक डीपली चीज़ बताता हूँ, वो कि आपके काम में आएगी, काफ़ी ज़्यादा काम में आएगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे और क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप ट्रांजेक्शन डिटेल को चेक कर पाएंगे कि भाई किसने आपको पेमेंट किया था, कब पेमेंट किया था, और आपके पास मतलब आई है, कहाँ से आई, इस मतलब सारा कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेटलमेंट में देखेंगे तो आपको क्या होता है प्रोसेस में, सेटलमेंट आपके नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। ठीक है, सेटलमेंट में आप देखेंगे तो दोस्तों जब आप एप्लीकेशन को आप यूज करेंगे, आपको लगता है 2 महीने पहले कि मुझे पेमेंट चेक करनी है, हिस्ट्री चेक करनी है, तो कैसे चेक करेंगे, तो आप सीधा यहाँ पर ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है 2 डे का, यू सैटरडे का, या फिर लास्ट 7 डे का, या लास्ट आपको 30 डेज का,
या 60 डेज का, इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कैटेगरी को फिल्टर कर सकते हैं, मतलब पेंडिंग वाला चेक करना है, फेलियर को चेक करना है, कैंसिल को चेक करना है, मतलब हो सकता है आपको ये भी चेक करके किसी को दिखाना हो, किसी को बताना हो भाई उस दिन फेल हो गया था या पेंडिंग रह गया, तो इस तरीके से आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट मैनेज कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की दोस्त आपको बताने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।